अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ना आज आपको ये बहुत ही आसान रेसिपी गोश्त की बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। चले आए, मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 किलो जो है ना, ये गोश्त है, तो इसमें अभी मैं ना ये 2 किलो गोश्त है, इसमें मैं ना ये हरी मिर्ची और लहसुन का ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें ना ये लहसुन डालूंगी। इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट डालूंगी, एक और ये 2 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऑलिव ऑयल डालूंगी इसमें। ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया का, ये 1 टीस्पून मैंने इसमें सफेद दकनी मिर्च का, एक टीस्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाले का, ये 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का, ये 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का, और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसे हुए जीरे का, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेथी का। सबको मिक्स कर लो। दो टेबल स्पून में इसमें दही के, सबको अब मैं मिक्स करके ना तो रख दूंगी 1 घंटे के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह गोश्त को ना सारे मसाले लगा के तो ये रख दिए, इसको 1 घंटे तक पड़ा रहने दे, फिर मैं इसको पकाते वक्त आपको बताती हूँ कि और क्या करना है। अब मैं ना इसमें 1 पाव जो प्याज है ना बारीक कटा हुआ वो डाल दूंगी। ये 1 पाव प्याज है, इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी इसी में, इसी गोश्त में ये 1 पाव प्याज भी जो है ना ये अब मैं मिक्स करके तो इसको मैं ना पकाने के लिए अभी रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ना इस हांडी में ये गोश्त जो है ना ये डाल दूंगी सारा, और इसको फिर मैं ना दम पे रख दूंगी। ये मैंने इसमें सारा कुछ गोश्त जो है डाल के अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी, फिर बताती हूँ फिर क्या करना है। अब मैंने ये देखे हांडी पक रही है, इसमें ना मैं चम्मच मारूंगी इसको हला के एक बार, ताकि ये नीचे ना लग जाए ना, इसको एक बार हलाऊंगी और इसमें टमाटर डाल दूंगी। अभी मैं देखे मैंने इसको ना सिर्फ 5 मिनट ये रखा है, तो इस तरह से ये हांडी जो है हो गई है। अब मैं ना इसमें ये 2 इसमें मैं ये स्टार अनिस डालूंगी 2 अदद, और 3 अदद ये ब्लैक मोटी इलायची है, और 1 दालचीनी का ये टुकड़ा, और 1/2 किलो टमाटर जो है ना ये मैंने मैश करके ना ये इसमें डाल के ना, तो इसको अब मैंने ना दम पे रख दूंगी। अब इसका ना ढक्कन नहीं मैं खोलूंगी, इसको हिला के ना एक बार, तो बस इसको पकने तक तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट इसका बगैर ढक्कन खोले ना, इसको अब मैंने ऐसे दम पे रख देना है, और हल्की आंच कर देनी है मैंने इसको। पहले मैं थोड़ा सा तेज रखूंगी ताकि इसको उबाल आ जाए, और फिर हल्की आंच कर दूंगी। ये 15 से 20 मिनट अब मैंने इसका ढक्कन नहीं उतारना, इसी तरह इसको पकते। अभी इसको 20 मिनट हो गए पकते हुए, तो इसको मैं ये हिला के तो इसको
चेक करती हूँ। ये देखें कितना मज़े का, ये परदेसी भाई जो यहाँ परदेस में रहते हैं ना, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इस तरह से वो सारा कुछ डालें और ऊपर रख दें। ये मैंने तकरीबन गोश्त जो था ये 20 मिनट में गल गया था, लेकिन मैंने इसको दम पे ना आधा घंटा रखे रखा, और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम। आप इस तरह से ये गोश्त को बनाएं। ये देखें ये गोश्त जो है मटन बन के तैयार हो गया है। मैंने इसके ऊपर ये थोड़े से बादाम डाले हैं। आप इसको इस तरह से बनाएं, खाएं। मेरा चैनल कुक विद मी बाय निकत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।